138 प्रवासी मजदूरों से भरी बस को जब आरटीए विभाग ने पकड़ा तो सभी अधिकारियों की उस समय आंखें फटी की फटी रह गई जब देखा कि बस में सवारियां पशुओं की तरह खचाखच भरी हुई थी। इतना ही नहीं, इस प्राइवेट बस ने हरियाणा में एंट्री की परमिशन भी नहीं ली थी। जी हाँ, ये मामला जीटी रोड का है। आरटीए विभाग के अधिकारी रात को ट्रकों और बसों की चेकिंग करने के लिए निकले थे। अम्बाला की ओर से आ रही प्राइवेट बस को रोका तो पाया कि ड्राइवर के पास कोई अनुमति पत्र नहीं है। जब बस के अंदर जांच की गई तो पाया गया कि इस डुप्लेक्स बस के अंदर अनुमति से कई गुना ज्यादा सवारियां भरी हुई थी। ऐसा देखते ही अधिकारियों ने उस बस को नए बस अड्डे के वर्कशॉप में ले जाकर खड़ा कर दिया। जब सवारियां बस में से निकलने लगी तो सवारियों की लंबी लाइन लग गई। गिनती की तो पाया बस के अंदर 138 प्रवासी मजदूर थे। ये बस लुधियाना से बिहार के पूर्णिया शहर जा रही थी। लुधियाना से आए प्रवासी मजदूर अजय, मुकेश, लालू, भारत, अर्जुन, महेंद्र, करण, मदन लाल ने बताया कि वे हर साल की तरह जीरी की रोपाई के लिए बिहार से लुधियाना आए हैं। अब बिहार वापस जाने के लिए उन्होंने ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया। एजेंसी ने प्रति व्यक्ति 1500 से 2000 रुपए किराया वसूला और सुरक्षित बिहार के पूर्णिया जिले में पहुंचाने का वायदा किया। बीती रात रास्ते में सरकारी अधिकारियों ने रोका और बस को नए बस अड्डे पर ले गए। मजदूरों ने बताया कि रात 8 बजे बस को गेट के अंदर खड़ा कर दिया। तब से लेकर अब सुबह 10 बजे तक उन्हें बस के अंदर से सामान लेने भी नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि बस में ड्राइवर और कंडक्टर कुल 3 कर्मचारी थे। मजदूरों ने कथित तौर पर बताया कि लगभग बस का 2.25 लाख रुपए किराया बनता है। वहीं आरटीए अधिकारी उर्मिल ने बताया कि जिस बस का चालान किया गया उस बस में प्रवासी मजदूर थे और बस संचालक ने हरियाणा का टैक्स भी नहीं भरा था। उस बस के तीनों ड्राइवर कंडक्टर बस छोड़कर कहीं चले गए। ऐसे में उन्होंने उस प्राइवेट बस एजेंसी को आदेश दिया कि दूसरी बस का इंतजाम करवाया जाए। ऐसे में लगभग 11 बजे एक लग्जरी डुप्लेक्स बस प्रवासी मजदूरों को लेने के लिए नए बस अड्डे पहुंच गई। सूत्रों के अनुसार अब बस के चालान का 64,000 रुपए जुर्माना भरने के बाद दोनों बसों को एक साथ निकाला जाएगा। 8 बजे से हम 8 बजे इंतजार करते करते गड्डी पकड़े यहाँ पे आके ये कुल क्षेत्र में हमको यहाँ पे डलाइवर को हम पकड़ लिया। क्या किया वो तो वो ही था और हमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोले। हम सब गरीब बंदा है, 1000-2000 कमाता हूँ लेकिन खाता हूँ ईमानदारी बोलना क्या। हम लोग एक महीना पीछे पंजाब गए थे धान लगाने के लिए, धान लगा के वहाँ से जब लुधियाना आए बस में बैठे 1500-1600 रुपये का किराए दिए, किसी से 2000 लिया, किसी से 1000 लिया। उसके बाद वहाँ से लुधियाना से बस मिला 4:30 बजे, यहाँ 7 बजे रात में 8 बजे रात में पहुँचा कुल क्षेत्र। उसको पुलिस ने पकड़ के बस अड्डे में कर दिया और उसके बस अड्डे में करने के बाद उनको बहुत परेशानी उठाना पड़ा। उसके बाद प्रशासन के पास गए, वो नहीं मना तो फिर थाना गए, थाना नहीं गए, थाना से थाना फिर गए। उसके बाद फिर पत्रकार को मंगवाए, उसके बाद पत्रकार आके वो अपने खुद विचार लगाया। उसके बाद हमको फिर पत्रकार ने खाना खिलवाया, खाना खाने के बाद फिर पत्रकार ने हमको बस में बैठा करके तब हमको बैठ गया।